Good morning, students. Class 3rd, subject math, chapter 4, multiplication. देखिए बच्चों, third chapter तक हम complete कर चुके हैं. Next आता है हमारा chapter 4, multiplication. Multiplication क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे. Multiplication मतलब हमें एक जैसे multiple parts बनाने होते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, यहां 8 है, ये 8 बॉल्स का कितने पार्ट है? 1 पार्ट है. 8 बॉल्स का कितना पार्ट है? 1 पार्ट. देखिए, या 8 पॉइंट्स का कितना पार्ट है? 1 पार्ट. अब हमें 8 पॉइंट के 1 पार्ट है, लेकिन हमें कितने पार्ट बनाने हैं? मल्टीपल पार्ट्स बनाने हैं. तो 1 पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट. हर एक पार्ट में कितने बॉल्स हैं? 8 बॉल्स. हर एक पार्ट में कितने बॉल्स हैं? 8 बॉल्स. तो हमने कितने पार्ट बना दिए? 5 पार्ट बना दिए. यानी हमने मल्टीपल पार्ट्स बना दिए, बहुत सारे पार्ट बना दिए, लेकिन हमें एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है कि हमें कितने पार्ट बनाने हैं. 5 पार्ट बनाने. 8 बॉल्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉल्स के हमने कितने पार्ट बनाने हैं? 5. 1 2 3 4 5. इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 8 बॉल्स के कितने? 5 पार्ट्स. जब हम इसमें टोटल बॉल्स काउंट करेंगे तो देखिए, 8 प्लस 8 16, प्लस 8 24, प्लस 8 32 और प्लस 8 40. तो नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल बॉल कितनी हो गई है? 40. इसका मतलब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा? 40. हम अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के बजाय उनको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई. जब हमारा एडिशन बहुत बड़ा हो जाता है, एक ही जैसी चीजों का एडिशन बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं? उसको मल्टीप्लाई. अब सोचिए, ये तो सिर्फ 5 पार्ट्स थे, अगर 100 पार्ट होते तो हम कब तक जोड़ते? इसलिए हम क्या कर देते हैं? उसको मल्टीप्लाई करते हैं. इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है. तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? एक ही जैसी चीज के मल्टीपल पार्ट्स बनाकर उसको ऐड करना. तो हमने देखिए, 8 बॉल्स के मल्टीपल पार्ट्स यानी 5 पार्ट बनाए हैं और उनको ऐड किया है, तो कितना आया? 40. और वही बात क्या होगा, 8 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 40 आएगा. तो आपकी एक्टिविटी एक का ये एक क्वेश्चन था. इस तरह के क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं. अगर आपको 1 से लेके या 2 से लेके 20 तक की टेबल अगर आपको याद है तो आप बहुत स्पीड से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अगर आपको टेबल्स याद है. ऐसे ही एक और एक्टिविटी आती है, देखिए एक्टिविटी ए में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है
वन डिजिट का, लेकिन उसमें क्या आएगी, कैरी आएगी। हम बी एक्टिविटी को देखते हैं, बी एक्टिविटी में क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाई वन डिजिट नंबर विदाउट कैरी। तो बी एक्टिविटी की क्वेश्चन करते हैं, जब हम कैरी वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम ए एक्टिविटी के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बी एक्टिविटी के क्वेश्चन करते हैं। देखिए बी एक्टिविटी आती है, देखिए मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स, हमें क्या करना है, ये नंबर दिया हुआ है 430, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखिए 430 के कितने ग्रुप बनाने हैं, 2। आप इसको 413 और 430 तो ग्रुप हो गए, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखिए 336 और 2 और 408, 2 ग्रुप को हमने ऐड किया तो कितना आया 826। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए सबसे पहले 2 का मल्टीप्लीकेशन जब हम शुरू करेंगे इसमें, तो हम हमेशा शुरू कहां से करते हैं मल्टीप्लीकेशन, राइट टू लेफ्ट, कहां से शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो राइट में सबसे पहले क्या आता है, वंस, और वंस में क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 और 3, देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 के मैंने कितने पार्ट बनाए हैं, 2 पार्ट, एक पार्ट ये बनाया है और एक पार्ट ये बनाया है, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 से ही लिखेंगे हम 6। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1 से, यानी 1 के कितने ग्रुप बनाने हैं, 2, एक तो ये 1 ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया, तो टोटल कितना हो गए 2, 2 2। अब देखिए 2 का 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 के कितने ग्रुप बनाने हैं हमें, 2, देखिए 1 2 3 4, 1 ग्रुप ये बन गया, 1 2 3 4 और 1 ग्रुप ये बन गया, तो टोटल कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए 100 के पावर में लिखेंगे 8। 2 पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 वंस आया, 2 का 110 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आया, और 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 800 आया, क्योंकि 4 क्या है 100, तो कितना आ गया इसके आंसर 826। वही 826 क्योंकि क्या है 430 के 2 ग्रुप्स को हमने ऐड किया है, चाहे आप ऐसे ऐड करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें हमारे पास एडिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर ये 2 है, अगर यहाँ पर 40 होता तो आप 40 टाइम ऐड नहीं कर पाते हो, इसलिए सीधा क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए 202 का मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब अगर 202 का कितने ग्रुप बनाए हम, 4 ग्रुप बनाए, 1 2 3 और 4, 4 ग्रुप है, इनको हम ऐड करेंगे, देखिए 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 0 में 0 ऐड करोगे तो वही 0 आएगा, और 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 कितना आया 800। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर ये बहुत ज्यादा होते तो हम ऐड नहीं कर पाते, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 के 4 ग्रुप बनाने हैं, देखिए 1 2 1 ग्रुप बन गया, 1 2 1 2 1 2, 4 ग्रुप बनाए, देखिए 2 के बनने 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आया 8, 1 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए हम 8 को 1 से लेंगे। नेक्स्ट देखिए 0 के 4 ग्रुप, अब 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, ब्लैंक, तो हम 0 के चाहे आप कितने ही ग्रुप बनाओ
कितना आ गया 808। देखिए 808, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करने के बजाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल ग्रुप बनाते हैं और उनको ऐड करते हैं। लेकिन मल्टीप्लीकेशन का जो मेन प्रोसेस है वो ये है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय वन डिजिट विथ कैरी। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका एल 2010। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 का सबसे पहले वंस, वंस में 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 4 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 4 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। 4 डिजिट के नंबर से आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इस तरीके से, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सॉल्विंग में, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले 0 का मल्टीप्लाई करिए 4 से 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 से 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 से 8। क्योंकि यहां पर क्या है, देखिए 2 के कितने ग्रुप है 4, तो टोटल कितना आएगा 8, और 1 के कितने ग्रुप है 4, तो कितना आएगा 4, और 0 है तो 0। तो कहने का मतलब ये है आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल लिखनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको टेबल लिखनी पड़ेगी और ये आपको टेबल कहां तक लिखनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपको टेबल इस तरीके से लिखनी पड़ेगी ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। अगर आपने ये टेबल लर्न कर ली है, इस तरीके से लिखनी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए 4 into 0 आप 0 लिख देंगे, 4 into 1 कितना है आपको पता लग जाएगा, और 4 2 कितना होगा ये भी आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करने के लिए आपको टेबल जरूर याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है देखिए, देखिए कैरी वाले मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से करेंगे। इसके लिए सी एक्टिविटी, और सी एक्टिविटी का मैंने बी क्वेश्चन किया है। सी एक्टिविटी है आपकी मल्टीप्लाई, और इसका मैंने बी क्वेश्चन किया है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे ऊपर नंबर है 135, और 135 का मल्टीप्लीकेशन करना है किससे, हमें 7 से। 7 वंस की डिजिट है, टेंस की नहीं है और 100 की भी नहीं है, सिर्फ वंस की ही डिजिट है, उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 की टेबल लिख लेते हैं। 7 into 1, 7, 7 into 2, 14, 21, 7 into 4, 28, 7 into 5, 35। तो मैंने यहां तक 5 तक टेबल लिखी है, आप इसको और आगे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले 7 का वंस यानी 5 से मल्टीप्लीकेशन किया हमने, कितना आएगा 35।
फाइव, कितना आया 35। वंस में हम एक ही डिजिट रख सकते हैं, 35 का राइट साइड की डिजिट, ये राइट साइड की डिजिट हम यहां लिखेंगे और ये लेफ्ट साइड की डिजिट कहां चली जाएगी, कैरी, कैरी कहां चली जाएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन पे, यानी कि टेंस में आएंगे। यहां थ्री मैंने कैरी रख दी, अब देखिए सेवन का थ्री टेंस से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर देखिए ये फाइव जो है ये वंस है और ये टेंस है। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेवन का थ्री टेंस से, सेवन का थ्री टेंस से, सेवन वंस इंटू थ्री टेंस। जब सेवन वंस का थ्री टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 टेंस, कितना आएगा 21 टेंस। कैसे देख सकते हैं आप, हमें थ्री टेंस के कितने ग्रुप बनाने हैं, सेवन, देखिए थ्री टेंस, थ्री टेंस, थ्री टेंस, थ्री टेंस और थ्री टेंस। हमें थ्री टेंस के कितने ग्रुप बनाने हैं, सेवन, तो देखिए थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, कितने हो गए टोटल, ये 21 टेंस, 21 टेंस। और देखिए थ्री टेंस ये क्या था, कैरी था, प्लस थ्री टेंस, 21 और 3 कितना हो गया 24 टेंस, कितना हो गया 24 टेंस। तो देखिए 24 टेंस, 24 टेंस में हम जब इनकी रिग्रुपिंग करते हैं तो 4 टेंस तो हम यहां लिखेंगे, क्योंकि ये राइट साइड की डिजिट है और लेफ्ट साइड की डिजिट कैरी बन जाएगी और ये कहां चली जाएगी, 100 पर, यहां यहां आ गई, इससे पहले की डिजिट यहां थी, देखिए 3, ये 2 यहां आ गया। अब हम 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 7 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आया 7, यानी 7 into 1 700, 700, 700 तो है ही, लेकिन 100 में हमारे पास 2 कैरी भी है, तो 700 प्लस 200 कितना हो गया 900, कितना हो गया टोटल, ये 900, तो 900 हम बाद देंगे 100 कॉलम। तो इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 75 से मल्टीप्लाई किया 35 आया, 5 हमने यहां लिखा, 3 को कैरी बना कर हम टेंस के कॉलम में ले गए, 7 का 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आया, 21 प्लस 3 24 हुआ, 24 का हमने 4 टेंस के कॉलम में लिखा, 2 को हम रिग्रुपिंग करके टेंस कॉलम में ले गए 100 के कॉलम में, 7 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 700 आया, प्लस 2 कितना आया 9। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन ए एक्टिविटी में भी दिए हुए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर का टेबल पहले लिखनी है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर का टेबल आप लिखेंगे। तो देखिए 4, 5, 6, 7, 8 लगभग सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें 1 से लेके या 9, 2 से लेके और 9 तक की टेबल आपको लिखनी पड़ेगी। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझ के कीजिए,
नेक्स्ट क्लास में हम डी एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.